हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारे को आज बताऊंगा। मैं जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम से मैं एक क्लॉक बनाया हूँ। तुम भी बहुत आसान से तुम भी इसको बहुत जल्दी बना सकते हो। बहुत इजी कोड है, तुम भी बना सकते हो। बट मैं इसको डिजाइन गिजाइन नहीं करा हूँ, सिर्फ थोड़ा दिखाने के लिए बनाऊँ कि क्योंकि मैं क्यों बनाया बोल तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होना के लिए, क्योंकि मैं भी बना सकता बोलकर। क्योंकि ये सिर्फ 10 लाइन का कोड है। मैं कैसा बनाया देखो तुम, अब दिखाऊंगा तुम्हारे को। यहाँ पर तुम यहाँ से स्टार्ट करो, मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को। देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। अब देखो यहाँ से तुम देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक मैं फी टैग ले आया हूँ। फी टैग में एक आईडी ले आया हूँ, टाइम बोलकर आईडी ले आया हूँ। हाँ, अब एक स्क्रिप्ट टैग में आया हूँ। स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग है ना, यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर सेट इंटरवल है ना, उस पर मैं उस सेट इंटरवल क्या काम करेगा यहाँ पर मैं बताऊँगा। सेट इंटरवल है ना, वो सेट इंटरवल एक फंक्शन को ले आएगा, और एक यहाँ पर है ना, ये 1000 ले आना, ये मिली सेकंड में लेगा। 1000 मिली सेकंड बोलो तो 1 सेकंड, 2000 मिली सेकंड बोलो तो 2 सेकंड। ये 1 सेकंड में ये फंक्शन कॉल होना, बार बार 1 सेकंड में ये क्लॉक फंक्शन कॉल होना। ये क्लॉक फंक्शन में क्या लिखा हूँ मैं बोले तो फंक्शन क्लॉक बोलकर लिखा हूँ। वहाँ पर एक न्यू डेट बोलकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट बोले तो ये पूरा वेब पेज को क्या दिखाता है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं क्या कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी बोले तो एचटीएमएल से गेट कर रहा हूँ आईडी बोलकर। आईडी का नाम क्या है, टाइम बोलकर। और उस टाइम में मैं चेंज कर रहा हूँ इनर टेक्स्ट बोले तो उसका टेक्स्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ इनर का टेक्स्ट पर। इनर टेक्स्ट बोल दो इसके अंदर पर मैं चेंज कर रहा हूँ। उसके अंदर पर क्या रहना दो, डेट डॉट टू लोकेट टाइम स्ट्रिंग। टू लोकेट बोले तो क्या, टू लोकेट बोले तो सिर्फ टू लोकल टाइम स्ट्रिंग, सिर्फ टाइम दिखना, सिर्फ उस टाइम दिखना। इसलिए मैं टाइम को मैं यहाँ पर लाया हूँ। हाँ, इतना ही कोड है, सिर्फ इतना ही, बहुत ईजी कोड है यहाँ पर, इतना ही कोड है। अब इतना ही कोड को मैं थोड़ा यहाँ पर देखो, हाँ इतना ही कोड है, थोड़ा यहाँ पर टाइम आ रहा। मैं इसको डिजाइन गिजन नहीं कर रहा हूँ अच्छे से। और यहाँ पर तुम डिजाइन तुम करो तुम्हारे को दिखाने के लिए। यहाँ पर तुम मैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन और बैकग्राउंड कलर में CSS थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम CSS में और बैकग्राउंड कलर को मैं येलो कर दिखाऊंगा, देखूंगा कैसा होगा येलो कर। तुम्हारे को मैं दिखाने के लिए मैं अच्छा नहीं करा हूँ इसलिए येल्लो करूँगा। हाँ, अब देखो येल्लो करे तो ऐसा आएगा बैकग्राउंड कलर। देखो येलो करे तो बैकग्राउंड कलर ऐसे आएगा। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो और लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।